हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो साथियों ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के अंदर न्यू टीचिंग पोस्ट को लेके एक आमरण अनशन करने वाले कैंडिडेट्स। इसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है तो उसके बारे में अभी अपडेट दूंगा मैं आपको। इससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि जो लालटेन होती है या लैंप होता है उसमें जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किस कारण चढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है केशिकत्व। अब ध्यान रखें केशिकत्व के कारण चढ़ता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरिटी के कारण ये तेल ऊपर चढ़ता है। इस पर जो इसके बाद एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, सुपर मॉम के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है, मतलब सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो साथियों अभी हम बात करते हैं, 4 जून को आपको पता होगा मतलब कल बिहार के अंदर बिहार के पटना में जो टेट पास अभ्यर्थी थे उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद जो उन्होंने निर्णय लिया वो निर्णय क्या लिया गया है कि 10 जून से पटना के गर्दनी बाग में धरना और आमरण अनशन किया जाएगा। मतलब आप ध्यान रखें 10 जून से पटना के गर्दनी बाग में धरना और आमरण अनशन होगा। और ये अनशन क्यों किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैकेंसीज है पीआरटी लेवल पे या कक्षा 1 से 8 तक के लिए उस पर गवर्नमेंट ने अभी कोई विचार नहीं किया गया। तो ये जो साथी हैं जो ये जिनके ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये संघ बना रखे हैं इन्होंने निर्णय लिया है, सभी ने वहां पर मीटिंग करी। मीटिंग के बाद सभी एक मंच पर आ गए हैं और सभी ने क्या कहा है कि हमें सबको मिलके चलना है और ये अच्छी बात है कि सभी मिलके चल रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम आमरण अनशन करेंगे और धरना करेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हम मतलब धरना करते रहेंगे और ये एक अच्छा स्टेप भी मान सकते हैं आप। लेकिन साथियों मैं सभी से एक बार फिर हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से आप जो भी कार्य करें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी भविष्य को बर्बाद कर सकती है। मांगे जरूर रखें, हम लोग आपके साथ हैं, हमसे जितना पॉसिबल होगा हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बिहार के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। और गलत ये नहीं, बिहार के अंदर काफी ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें मैं देख रहा हूं उन टीचर्स के साथ काफी गलत किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये सही स्टेप ले रहे हैं और अभी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब ये नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले क्या था, हिंदी अनिवार्य थी, अब अनिवार्य नहीं है, आप ऑप्शनल और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, अब अनिवार्यता साउथ की वजह से वो खत्म कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। तो साथियों अभी ये अपडेट है आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।